भाई तुम लोगों को YouTube पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बट वॉट अगर मोबाइल गेमिंग की आर्मी हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि ऐसा YouTube चैनल कहीं नहीं मिलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉट अगर मोबाइल गेमिंग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और गाइस आगे भी अच्छे रहना। तो फ्रेंड्स आज हम लोग दोबारा खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट ट्रायल 1.20 बीटा वर्जन, जो YouTube पे सिर्फ दो यूट्यूबर्स के पास है फिलहाल, तो एक उनमें से मैं भी हूँ। मैं बड़े यूट्यूबर्स, बड़ी सोच वगैरह वगैरह, यू नो। ओके, तो आज हम लोग अपने इस नई वायोम वाली वुड से एक घर बनाएंगे और रिसोर्स कलेक्ट करेंगे इस वायोम के, जैसे कि यहाँ मतलब इसके ट्रैप डोर्स कैसे दिखते हैं, इसके डोर्स कैसे दिखते हैं, इसके ब्लॉक्स कैसे दिखते हैं, और फिर घर बनने के बाद लुक कैसा रहता है घर का। भाई हम किसी और वुड का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसी वुड का यूज़ करेंगे घर को बनाने में। देखो घर को बनाने के लिए कम से कम 1.5 स्टैक तो होना ही चाहिए, कितना भी छोटा घर बना रहे हो थोड़ा सही दिखने के लिए 1.5 तो होना ही चाहिए भाई, इससे कम तो घर नहीं भाई। कोई वो थी गरीबों वाली, गरीब की कुटिया, वो वाला लुक आ जाता है फिर सही नहीं लगता। तो कम से कम 1.5 कलेक्ट हम करेंगे वुड स्टैक्स, तो कलेक्ट करने में काफ़ी देर लगेगी एक्चुअली, क्योंकि भाई ये नए वाले जो पेड़ है ना, ये काफ़ी सारे सैपलिंग्स ड्रॉप करते हैं, ऊपर से इन्हें ग्रो करने के लिए भी सिर्फ 1 or 2 बोन मिल सकती हैं, ज़्यादा नहीं। सो एज़ पर मतलब माइनक्राफ्ट 1.20 के हिसाब से ये वाले सैपलिंग्स बहुत ज़्यादा मिलने करेंगे। एक पेड़ अगर आपने उगा दिया तो उसमें से 2, 3, 6 तक सैपलिंग्स मैक्सिमम टपक सकते हैं भाई, ऊपर से गिर सकता है मतलब उसकी लीव्स में से। बर्ड्स भाई 6 मायने रखते हैं, एक पेड़ के 6 बच्चे मैक्सिममली 6, और मिनिमम तो भाई 2 तो गिरने ही गिरने हैं, कितने भी कम ले लो तुम 1-2 तो गिरने ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा पेड़ खाली निकल जाए, बहुत रेयर चांस होगा उस चीज़ का। और माइनक्राफ्ट ट्रायल में तो क्या तुम लोग को ये वायोम भी फाइंड करना पड़ेगी पहले। माइनक्राफ्ट ट्रायल 1.20 बीटा है, तो उसमें सीड नहीं मिली हम लोग को, हमें इसमें ओल्ड सीड में ही नए रिसोर्सेज मिल गए हैं। तो जो हमारी नई ऑफिशियल सीड आएगी माइनक्राफ्ट 1.20 की, जो कि जून या जुलाई के आसपास कहीं होगी, मतलब इसी डेट के आसपास कहीं निकलेगी, जून जुलाई के आसपास 1.20 की ऑफिशियल सीड माइनक्राफ्ट ट्रायल की, तो उस टाइम पे और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी पुरानी सीड में भी हम लोग नए रिसोर्सेज लगा के खेल रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को हम बता पाएँ कि 1.20 कैसा है माइनक्राफ्ट ट्रायल में। सो एज़ पर मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स ने अब तक ट्राई किया है 1.20, बट माइनक्राफ्ट ट्रायल 2 यूट्यूबर्स ने ट्राई किया है, मैं और एक और है, उसका नाम क्या बताऊँ, तुम सब जानते ही होगे उसे, और तुमने आई तुमको वीडियो भी देखी होगी, उसके व्यूज मुझसे ज़्यादा आते हैं। सो गाइज मैं इस प्रोसेस को थोड़ा और तेज कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को बोर नहीं होना चाहिए, और मेरी बातें बोरिंग होती जा रही हैं और मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं है भाई, मेरे पास पता है। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मेरी स्कूल की स्टोरीज में सुना सकता हूँ, वीडियोज़ में स्कूल की स्टोरीज, तो तुम लोग कमेंट कर दो उसके लिए, और कम से कम यार ज़्यादा नहीं यार तुम लोग 9 लाइक कंप्लीट करा दो, ज़्यादा नहीं 9 लाइक, 9 लाइक्स, क्योंकि 10 लाइक्स पिछली बार एम दिया था तो तुम लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं कराया है। बाय द वे गाइस, मेरी स्कूल की स्टोरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग मैं वो बच्चा नहीं हूँ देखो कि मैं बिल्कुल फ्रेंड में बैठ के टीचर्स की चार्ट हूँ, या फिर बीच में मिडिल बेंचर बन के कुछ करूँ, ना बैक बेंचर्स की साइड पर, ना टॉपर्स की साइड पर, मैं हूँ प्योर बैक बेंचर। तो मेरी जो स्टोरीज है वो है नेक्स्ट लेवल, और अगर मैंने स्टोरीज सुनाना शुरू किया तो मेरे प्रिंसिपल भी मेरी स्टोरीज सुनेगा और फिर मुझे खदेड़ेगा। तो अगर तुम लोग जानते हो कि मैं अपनी स्टोरीज अपने यूट्यूब पर चैनल पर सुनाऊं, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क भी हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं, तो भाई कमेंट करो यार तुम लोग, यस मतलब तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि यस सुनाओ स्टोरीज करके, या फिर स्टोरी कमेंट करो, हैश टैग स्टोरी सबसे सस्ता कमेंट, हैश टैग स्टोरी कमेंट करो, मैं तुम लोग को पक्का अपने स्कूल की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। देखो अभी एक फ्लैट सर्फेस एरिया चाहिए, हम लोग वापस ऑफ टॉपिक में जाते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं, पहले तो हमें एक फ्लैट सर्फेस एरिया चाहिए घर बनाने के लिए एक्चुअली माइनक्राफ्ट में। तो फ्लैट सर्फेस करने के लिए हमारे पास है हमारा प्यारा शवल, तो शवल से हम सब कुछ पहले क्लियर कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा घर हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर या इंटू ज़्यादा बड़ी वीडियो पर व्यूज़ उतने ही आने हैं, छोटी बनाओ या बड़ी व्यूज़ उतने ही आने हैं, तो व्यूज़ के लिए यू नो हम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं अभी ये वीडियोज़ में। एग्ज़ाम मेरे कल ही ख़त्म हुए हैं, लेट्स गो भाई, चलो जल्दी बनाते हैं। और भाई लास्ट में पता है लास्ट में स्कैम कर दिया भाई क्रीपर ने मेरे साथ, मैंने इतनी मुश्किल से घर बनाया था, उसने आधा घर उड़ा दिया मेरा
बहुत बड़ा लगा मेरे को, बट सैंड वगैरह से काफ़ी अच्छा सा घर बना हुआ। मैं तुम लोगों के लिए डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, जो कि मेरे टीचर्स मुझसे आजकल हो जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, फिर नंबर्स अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो काफ़ी सारे टीचर्स डिसअपॉइंट हैं मुझसे नंबर्स के मामले में, क्योंकि मैं हूँ कक्षा 9 का छात्र उर्फ 9th क्लास फ्रॉम CBSE। मैं तुम लोग अपनी कुंडली क्यों दे रहा हूँ, आई डोंट नो। वैसे तुम लोग अपने स्कूल का नाम कमेंट कर सकते हो, अपने घर का एड्रेस कमेंट कर सकते हो, अगले दिन मैं तुम्हें किडनैप करा लूँगा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, जस्ट आई एम जोकिंग, नॉट एट ऑल। मैं खुद अभी 14 साल, कितने साल का हो यार, मेरे को अपनी एज नहीं पता। ओके, मैं अभी नवंबर में होऊंगा 15 का, ठीक है, मैं 14 साल का हूँ अभी, 14 साल का लौंडा जिसके 1000 सब्सक्राइबर है यूट्यूबर पे, 1500 प्लस एक्चुअली सब्सक्राइबर है, और मोनेटाइजिंग के लिए वॉच टाइम रह गया है। तो तुम लोग एक काम करो, ये वीडियो चला के छोड़ दो अगर तुम लोगों को नहीं देखनी तो, और 6-7 वीडियो मेरी चला कर छोड़ दो, बस मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करा दो। वॉच टाइम कंप्लीट और मोनेटाइजिंग चैनल एबसेंस पिन, पता नहीं कितने तो प्रोसेस होते हैं भाई, मेरा मोनेटाइज होगा भी या नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब फॉलो किया मैंने नहीं किया, मेरे को नहीं पता। और ये घर बनाने के लिए भाई देखो, मैं ज़्यादा बड़ा घर नहीं बना रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था मैंने तुम लोगों को, तो अभी जितना बड़ा मैं घर बना रहा हूँ तुम लोग उतने में एडजस्ट कर लो, बाद में तुम लोग अपने जब ये लॉन्च होगा फाइनली तब तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, अपना घर जितना चाहो उतना बड़ा बना लेना, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट तुम लोगों को सीड फाइंड मतलब वायोम फाइंड की वीडियो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर देखनी है। एक मिनट, वायोम फाइंड क्यों भाई, तुम लोग चेरी वायोम में ही स्पॉन हो गए तो तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, बट डायमंड फाइंड मेरी ही देखना, और एंडर ड्रैगन के लिए पोर्टल फाइंड भी मेरी ही देखना, सारी वीडियो सिर्फ मेरी देखना तुम लोग बाकी यूट्यूबर्स हैं बाहर में तुम लोग मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट कराओ, फिर तुम चैनल का कुछ ही देखो, आई मीन वीडियो। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भाई, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखी मैंने, बड़ी मस्त है वो, बट उससे यू नो नहीं करूँगा मैं एडवर्टाइज, नहीं करूँगा, क्यों करूँगा एडवर्टाइजमेंट, मेरा मन लेट्स गो। देखो ये कमरा भी छोटा लग रहा होगा तुम लोगों को, बट बनने के बाद थोड़ा सही लगेगा, इसका लुक आएगा, और हो सकता है कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ अगर तुम लोगों ने 9 लाइक 10 दिन बहुत ज़्यादा जाएंगे, आराम से जाएंगे 10 दिन में, तो तुम लोग एक्चुअली 5 दिन में 10 लाइक कंप्लीट करा दो, 9 लाइक कंप्लीट करा दो, 5 दिन भी ज़्यादा है, 3 दिन में 5 लाइक कंप्लीट करा द 9 लाइक कंप्लीट करा दो, तुम लोगों को 3 दिन में 9 लाइक कंप्लीट कराने हैं पार्ट 2 के लिए, वरना पार्ट 2 नहीं आएगा। वैसे भी किसको ही देखना होगा पार्ट 2, पार्ट 1 देखो और खुश रहो, वरना 9 लाइक अगर तुम लोगों ने कंप्लीट करा दिए तो अच्छा है, मैं घर तोड़ के मैंशन बनाऊंगा भाई, पूरा पिंक वुड मैंशन, वाओ हाउ इट लुक्स। ऊपर से ग्राइंडिंग कितनी होगी भाई यार, उसमें मर जाना है मैनू भाई, बेड रह गया था मेरा यहाँ पे, तो मैं पहले बेड पे सोने जाऊँगा, फिर यू नो देखो मैं साइड में ना सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया तोड़ा है, यहाँ पे मैं कांच लगा दूंगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले हम लोग सोने चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स वी स्लीप, नॉट वी ऑनली मी, सिंगल बेड, माइनक्राफ्ट वालों को भी पता है मैं सिंगल हूँ, इसलिए सिंगल बेड बनाया, मैं काफ़ी उसमें सोया था कि ज़ॉम्बी आके मारना थे मेरे को, और सुबह को आ गए थे ज़ॉम्बी एक्चुअली। तो पहले मैं तुम लोगों को घर वर दिखा देता हूँ अपना, पहले मैं यहाँ से सैंड लेने जाऊँगा, सैंड कलेक्ट करके आता हूँ, मेरे को एक सेकेंड। सो मुझे मेरे डेस्टिनेशन से थोड़ी सी दूर पे सैंड मिल गई थी, काफ़ी सारी सैंड मिल गई थी, मैं यहाँ से थोड़े कोबल स्टोन भी इकट्ठे कर लूँगा, क्योंकि यू नो फर्नेस बनानी पड़ेगी, और फर्नेस से सैंड को स्मेल्ट करना पड़ेगा, फिर आगे का प्रोसेस तुम लोगों को पता ही है, कांच लगाएंगे हम लोग, तो सैंड और स्टोन कनेक्ट करने के बाद मिलते हैं, लेट्स गो। फिर भी गो, हमने घर आके एक यू नो ये बना ली, फर्नेस बना ली, एंड फर्नेस में हम लोग स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं बहुत सारा सैंड, बहुत सारा नहीं एक्चुअली 25 है, 25 में हमारा काम चल जाएगा, तो हम ज़्यादा क्यों कलेक्ट करें, लेट्स गो। अब हम लोगों को गेट बनाने हैं और थोड़े से ट्रैप डोर बनाने हैं, यू नो सजाने वजाने के लिए, और गेट हम बनाएंगे पिंक वुड का, पिंक वुड का गेट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग सा है, क्योंकि इसकी वुड की वैरायटी अलग है, लेट्स गो, बना लिए, बहुत बढ़िया। अभी हम बाहर से लगाएंगे, इससे बाहर से फ्लैट लगेगा और अंदर से स्ट्रक्चर वाइज लगेगा थोड़ा सा, और यहाँ पर हमें कांच वाँच लगाने पड़ेंगे, तो कांच स्मेल्ट होने के बाद हम फुल लुक दिखाते हैं आपको।
सो गाइज, अभी आपने देखा था फुल लुक। अब फुल लुक के आसपास हमें एक फ्रेम क्लियर, मतलब ये जो कांच है इसके आसपास हमें एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम पिंक वुड का ही करेंगे। इसमें हम पूरा लॉग यूज़ करेंगे, प्लैंक्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्लैंक्स का लुक अलग आ जाता है और वुड का लुक अलग आ जाता है, इसलिए वुड ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो मैं यहाँ सोच रहा था ओक वुड यूज़ करूँ, बट पिंक वुड का हाउस है तो हम पिंक वुड के लॉग से यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट हम लॉग का फ्रेम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा लुक आता है। अभी हमारा फ्रेम कंप्लीट हो गया है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि वो कैसा दिख रहा है। अभी हमें एक छत वगैरह, छत होनी चाहिए गरीब के घर में एटलीस्ट छत तो होनी चाहिए। देखो फ्रेम कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी फ्रेम अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रहा है फ्रेम। तो हम यहाँ पे दो फ्लोर्स क्रिएट करेंगे। ओके, मतलब दो फ्लोर्स हम अभी इसी वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि क्रीपर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था इनमें, मतलब घर भर तोड़ के। तो हम एक ही फ्लोर कंप्लीट करेंगे और उसी का लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा लग रहा था भाई एंड में, और इसको बनाते हुए देखने में अलग ही सेटिस्फेक्शन आ रहा है। बस आवाज़ और रिकॉर्ड हो जाती तो मज़ा आ जाता है इसका। आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि नहीं हो पाई, मेरा सस्ता है भाई स्क्रीन रिकॉर्डर, सस्ता है मेरा, दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करूँगा। ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ा सा बेकार है क्योंकि इसमें कई बार ग्लिच हो जाती है, तो मैं दूसरा डाउनलोड करूँगा। प्ले स्टोर पर बहुत सारी वैरायटीज है भाई इस चीज़ की, तो मतलब प्ले स्टोर और यूट्यूब, इन दो पे तो मैं हर ऐप की लाखों, ऐप की छोड़ो यूट्यूब पे वीडियोस की लाखों वैरायटीज़ मिलेंगी और प्ले स्टोर पे ऐप्स की लाखों वैरायटीज़ मिलेंगी, बट यूट्यूब पर वाटर ड्रैगन मोबाइल गेमिंग बस एक ही है। तो सब्सक्राइब कर दो मुझे, क्योंकि नहीं मिलेगा तो मैं और कहीं ऐसा प्यारा सा वाटर ड्रैगन मोबाइल गेमिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब इट। तो तुम लोगों ने अभी बाहर से पूरा लुक देख लिया घर का, अभी मैं ऊपर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसा लग रहा है। ये देखो भाई क्रीपर फूट गया, दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा यहाँ पे। मैं कहा कि अब मैंने क्या किया, देखो जुगाड़ लगा के एक थंबनेल के लिए साइड से फ़ोटो ले लिया, जिससे पता ना चले कि टूटा हुआ है अगर साइड से, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो वीडियो गई है एंड, लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए 9 लाइक्स कंप्लीट कर दो प्लीज़ गाइस, बाय।